हाँ जी, तो आज हमारी क्लास नंबर 4th है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमारी बातें कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगी। आज से पहले हम लोगों ने बात करी इस चैप्टर में पिछली क्लासेस में, जहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन की बात करी थी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के फीचर्स की बात करी, उसके प्रोसेस की बात करी, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस की बात करी और सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी थी। वो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर दी है पुरानी क्लासेस में, क्लास नंबर 2nd और क्लास नंबर 3rd में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था। आज क्लास नंबर 4th है और आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं ये, दैट इज नंबर 1 मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट एज अ साइंस एंसर, सेकंड इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लोहित सर क्या बात है, आज तो मैं खुश हो गया हूं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर खुश हो गए हैं, क्यों सर? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, साइंस और आर्ट, सर ये याद दिलाता है पुरानी कुछ बातें। कौन सी क्लास की वंश याद आ रही है, बात तो बताओ। हाँ सर क्या बात है सर, 11th क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो टीचर ने नई नई एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अकाउंट्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो सर कहानी तो वैसी ही है क्या जैसे आपने अकाउंट से रिलेटेड बताई थी? मैंने बोला बिल्कुल एक ही तो बात है सर, अकाउंट्स भी जैसे साइंस और आर्ट दोनों थी, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट भी बोथ साइंस भी है और आर्ट भी है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। सर कैसे, जरा इस बात को समझाओ एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने बोला आओ जरा समझे। अगर हम पहली बात करें कौन सी, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ, वंश ये जो वर्ड है मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस वर्ड का मतलब अपने आप में होता है क्या बॉडी ऑफ नॉलेज? साइंस वर्ड का मतलब है बॉडी ऑफ नॉलेज। सर मतलब नॉलेज का पिटारा। सर मतलब, मैंने बोला मतलब के लिए आगे देखो जरा फटाफट से, मुझे बताओ हम लोग B.ST की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कभी ना कभी किताब खुलती है हमारी भी और उस किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सर मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। चैप्टर 1 भी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे, चैप्टर 3 भी पढ़ेंगे। तो बताओ तो सही, किसी बुक से ही तो पढ़ रहे हैं। बुक के अंदर क्या है, क्या बुक के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज की बातें लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं? सर बिल्कुल लिखी हुई है वंश, लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है सर इस बुक के अंदर? और क्या है, नॉलेज ही तो है सर, बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है सर। किस चीज की बॉडी ऑफ नॉलेज देती है ये हमें बताती है कि किस तरीके से हम लोग 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करेंगे, और हमें मैनेजमेंट स्किल्स भी बताती है, हाँ कि ना, कि हम कैसे बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो खुद बताओ इस बुक के अंदर क्या वो सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं कि कैसे मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से करा जाएगा? बिल्कुल सर। तो इसलिए हम साफ कह सकते हैं मैनेजमेंट अपने आप में साइंस तो है ही, क्योंकि सर क्या है, इसके अंदर बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ये बात तो ठीक है। तो अगर मैं पहली खास बात बोलूँ मैनेजमेंट एज अ साइंस की, तो पहली खास बात उसमें यही रहेगी, सिस्टमैटिक। साथ में लिखेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप में नॉलेज का पिटारा है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी हम उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब खुद बताओ ना, मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन किताबों के थ्रू मिल सकती है और हम चाहें तो उस नॉलेज को सीखकर अच्छे से मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का पिटारा है। मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। क्या है वंश, उन प्रिंसिपल्स को बढ़िया तरीके से अप्लाई करके, ये अगर मैं बात करूँ बॉडी ऑफ नॉलेज की, तो बॉडी ऑफ नॉलेज में हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, हमें क्या चीज़ मिली हुई है इस किताब के अंदर, हमें मैनेजमेंट को चलाने के क्या गिवन है, प्रिंसिपल्स गिवन है सर। उन बढ़िया से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते रहो तो क्या होगा,
उससे आप अच्छे तरीके से अपनी बिजनेस के प्रिंसिपल्स लगा पाओगे और मैनेजमेंट अच्छी आपकी हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल्स कह लो या कह लो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक से मिल जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमें मैनेजमेंट करने के तरीके बताती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा वंश, एक चीज और मैं पूछूंगा यहां पर, सेकंड जो खासियत है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पर इसकी मान्यता है, मतलब हर जगह पर इस चीज को माना जाता है। मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब अप्लाइड टू होल वर्ल्ड वाली बात है। इसका मतलब मैनेजमेंट, अभी जो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उस नॉलेज में हमने भी बात करी थी कि हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से क्या मेंशनड है सब चीज़ों के, मैनेजमेंट चलाने के क्या गिवन है प्रिंसिपल्स। लेकिन बात आती है सर, आपने सेकंड पॉइंट लिखा कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है सर, लेकिन वंश मुझे एक चीज़ बताओ, यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब हो गया कि हर चीज़ का एक ही इलाज। मगर मान लो अगर इंडिया में प्रॉब्लम नंबर ए है तो उसका इलाज ऐसे होता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर प्रॉब्लम का इलाज ए ही होगा। हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए क्या सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि अलग तरीके से बात करना पड़ेगा हमें? हर जगह वो अप्लाई नहीं होगी, हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए हमें दूसरा प्रिंसिपल लगा के देखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या हमें अपनी प्रॉब्लम का हल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अलग अलग सिचुएशन में यार, ऑब्वियसली वंश, अलग अलग प्रॉब्लम्स में हर चीज़ का सॉल्यूशन एक होता है। पेट दर्द हो रहा है तो किसी और चीज़ की दवाई देके थोड़ी ना बात बन जाएगी, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब है, भले ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो हमें बताती है, जनरल गाइडलाइंस देती है कि मैनेजमेंट को कैसे चलाना है, और वो भले ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी होंगे। उसका हमें क्या देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, हमें उसका क्या देखना पड़ेगा सर? हमें उसका देखना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब सर, जैसा प्रॉब्लम हो उसके अगेंस्ट वैसा प्रिंसिपल लगा के उसका इफेक्ट देखेंगे, और फिर जो बढ़िया सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी, जो बढ़िया सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हम वो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। वो हमें जनरल गाइडलाइंस तो देते हैं, हर प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन तो हमें देते हैं, लेकिन ये भी बात ऑब्वियस है कि सर, सिचुएशन अगर अलग होगी तो हमें अलग तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को देखना पड़ेगा, और हर सिचुएशन के लिए एक अलग प्रिंसिपल हमें लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पॉइंट नंबर टू ये तो हमें कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह पर इनको माना जाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जरूर देखना पड़ेगा सर। हर सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल लगा के देखेंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको ऑप्ट करा जाएगा। ये बात ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैनेजमेंट अपने आप में साइंस है, इसका मतलब तो था बॉडी ऑफ नॉलेज, और उसमें हमने पहली बात यही सीखी है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के, वो हमें जनरल गाइडलाइंस बताते हैं कि कैसे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और कैसे बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करा जा सकता है। लेकिन अगली बात ये बताती है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो नॉलेज है, वो हर जगह पर अप्लाई होती है, दुनिया के हर कोने में, लेकिन सर उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हम हिट एंड ट्राई करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग तरीका लगा के देखेंगे, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको ऑप्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? और इसमें जो थर्ड बात है वो है प्रिंसिपल्स बेस्ड, ये तो वैसे क्लियर हो गया हमने, वैसे इसको लिखना बाकी है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब सर वंश, इसका मतलब कि भाई हमें बिल्कुल सर, हमारे पास जनरल गाइडलाइंस के रूप में प्रिंसिपल्स तो अवेलेबल हैं, हाँ कि ना? कि अपने आप में हमने बोला पहले पॉइंट में कि मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल्स का पिटारा तो गिवन है, बहुत ग्रेट लोगों ने हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, लेकिन सर वो प्रिंसिपल्स सक्सेसफुल तभी बनेंगे, वंश कब बनेंगे? जब हम रेगुलर उस पर क्या करते रहेंगे, रिपीटेड
एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, तभी जाके हमें एक रियल प्रॉब्लम का एक रियल क्या मिलेगा। ठीक है, पिछले पॉइंट से हमें ये तो पता चलता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं वो प्रिंसिपल्स, हर जगह पर अप्लाई करने हमें मतलब करे जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से नहीं अप्लाई करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और पॉइंट नंबर थर्ड हमें यही कहता है कि जो प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं वो तो जस्ट हमें क्या है, किस तरीके से गिवन है, वो एक हिसाब से जनरल गाइडलाइंस है। क्या है? जनरल गाइडलाइंस है कि आप इस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं। लेकिन सर वो मास्टर, हम लोग मास्टर तब बनेंगे तब जब हम लोग क्या करेंगे, हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कॉन्टिन्यूसली कर पाएंगे ताकि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमें मिल सके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो हमारे पास तो मान लो प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, मान लो 14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, तो हर सिचुएशन के लिए एक अलग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। बढ़िया तरीके से हमें पहले पूरा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू विद टेस्टेड प्रैक्टिस कर करके हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी प्रॉब्लम हमारे लिए सही रहेगी। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो रॉकेट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। वंश मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस का मतलब जैसे कि पानी के अंदर नमक मिलाएंगे तो वो पक्का सॉल्यूबल है, होगा ही होगा मिक्स, ऐसे नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो सक्सेसफुली तब होते हैं जब हम हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, और जो बेस्ट सिचुएशन में बेस्ट हमें सपोर्ट करता है हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ तो तभी हो सकती है ना जब हम रेगुलर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। भले ही हमें बहुत ग्रेट लोगों ने जैसे कि मिस्टर फयोल हैं, हेनरी फयोल जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने भले हमें 14 बेस्ट प्रिंसिपल्स दे दिए, लेकिन ये बस एक जनरल गाइडलाइंस है। आपको इनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा कि सर ये वाला प्रिंसिपल लगा के क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो वाला प्रिंसिपल लगा के क्या आते हैं, और जो बेस्ट हमारे लिए होगा हम उसको चूज करेंगे। जैसे हम अपनी पढ़ाई में भी करते हैं वंश, कि सर क्या करा जाए, कितने महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए, किस हिसाब से रिवीजन करी जाए, सर एक बार वाइवा भी टेस्ट ले लेना, एमसीक्यूज भी बना देना। तो हम लोग भी तो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि बस जनरल गाइडलाइंस करते हैं कि हमारे पापा सर ऐसे पढ़ते थे तो हम भी वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है, हम भी तो सक्सेसफुल बनते हैं जब हम हर सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और एक टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसी को बनाने की कोशिश करता है कि भाई मेरा स्टूडेंट मान लो नालायक है, 12 बजे नहीं उठता, तो टीचर को क्लास रखनी चाहिए उसकी कितने बजे, 2:30 बजे, हाँ कि ना वंश, जैसे आज वंश के साथ हुआ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इन तीनों बातों में वंश? हाँ जी, तो अब हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अभी हमने पीछे बात करी मैनेजमेंट एज अ साइंस की, अब हमें साइंस से ये तो पता चल गया कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल गाइडलाइंस है कि कैसे मैनेजमेंट को अप्लाई करा जाता है और कैसे बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं, जिनको अच्छे तरीके से उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देख के कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, वो हमने ये तो सीख लिया कि वो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। तो उसी हिसाब से हमें ये तो क्लियर है कि साइंस जो है वो क्या है, वो हमें नॉलेज तो दे देती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, खूब नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन सर जीता तो वही है ना जो रेगुलर क्या करता है उस चीज की, भाई स्टूडेंट्स को टीचर भी तो रेगुलर क्या कराते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट का ही अकाउंट्स, मैथमेटिक्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो तब जाके बढ़िया हो जाते हैं जब वो रेगुलर बेसिस पर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस क्या करते हैं। तो सर ये तो वही वाली बात है, विराट कोहली ने अगर एक ही बारी सोचा होता कि मैं तो विराट कोहली ही हूं तो क्या वो विराट कोहली बनता सर? अरिजीत सिंह बिना रियाज करे इतना बड़ा सिंगर बन पाता, सोनू निगम बन पाता? तो सर हर चीज में मास्टर होने के लिए, परफेक्शनिस्ट होने के लिए कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। तो सर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करके हम कहते हैं कि हमने क्या जनरेट कर लिया, आर्ट जनरेट कर लिया। हिंदी में इसका मतलब कला होता है, कला कभी आती है जब हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात बोलता हूं तो आप ये समझ जाओ कि साइंस के थ्रू, मैनेजमेंट एज अ साइंस के थ्रू जो हमें प्रिंसिपल्स का पिटारा मिला है, जो नॉलेज हमें मिली है, वो नॉलेज तब तक आर्ट में कन्वर्ट नहीं होगी वंश जब तक हम उसे कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो इस तरीके से कितनी आसानी से निकल के आता है। दोबारा बोल रहा हूँ, साइंस किताब है, दोबारा बड़े ध्यान से सुनना, साइंस किताब है, बुक है हमारे हाथ के अंदर, लेकिन जब तक उस बुक को कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसमें जो थ्योरिटिकल नॉलेज हमें दे रखी है अगर उसको ढंग से प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, उसका हर सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करके नहीं देखेंगे, तो हम कभी भी वेल ट्रेंड होंगे ही नहीं सर, आर्ट जनरेट होगा ही नहीं। अब हम कहते हैं कि भाई सर देखो, हमारे सामने हमारा नेबर है, हमारे भैया
जो कि अभी किस चीज की पढ़ाई करके आए, वंश, जो कि अभी एमबीए की पढ़ाई करके आए, किसकी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनको बड़े अच्छे से आती है मैनेजमेंट करनी चीजों की भाई, मैनेजमेंट इनको बड़े अच्छे से करनी आती है, और उनके पास एक डिग्री आ गई है। अब वही उनका क्या बन गई है, आर्ट बन गई है। हाँ कि ना, वो आर्ट तभी बनी क्योंकि पहले उन्होंने एज अ साइंस उसकी थ्योरिटिकल नॉलेज ली होगी और फिर उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस भी करा होगा। इसीलिए जब एमबीए भैया जॉब के लिए जाते हैं तो उनको सैलरी ऑफर होती है 60 60 के पर मंथ, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा जो अभी 12th स्टैंडर्ड पास हुआ है और वो सोचता है कि मेरे को तो बड़ी अच्छी मार्केटिंग करनी आती है, उसे जितनी भी अच्छी मार्केटिंग करनी क्यों ना आती हो वंश, वो एमबीए वाले जितनी की सैलरी कभी नहीं ले पाएगा। इस बेचारे को मैक्सिमम मिलेंगे 15K पर मंथ, क्योंकि आर्ट किसने जनरेट करा होगा, एमबीए के ऊपर तो कोई सवाल या संदेह उठाएंगे नहीं, क्योंकि एमबीए अपने आप में एक आर्ट है, एक डिग्री है। उससे ये क्लियर होता है कि उस बंदे के पास साइंस के नाम से बॉडी ऑफ नॉलेज भी पूरी होगी, पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उसको पता होंगे, और वो उसका आर्ट बनी है क्योंकि उसकी एमबीए जो डिग्री आई है वो तभी आई होगी जब उसने रेगुलर बेसिस पर उसको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस भी करा होगा, तभी उसका सैलरी पैकेज आप बड़े ध्यान से दे सकते हो। उसका मतलब जो चीज़ आर्ट में कन्वर्ट हो जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हाई हो जाती है, लेकिन वो अचीव होगी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ। कोई भी चीज़ आर्ट बनती है तब है वंश जब उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उसके लिए। ये बात तो ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहीं से निकल के आ गया। सेकंड, एग्जिस्टेंस, इनको लिखना बहुत जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। ये क्या बात हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल, भाई बिल्कुल, अभी हमने पिछले पॉइंट से ये बात सीखी है कि सर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किसका प्रैक्टिकल यूज हम करेंगे, जो थ्योरिटिकल नॉलेज हमारे पास होगी। सर ये थ्योरिटिकल नॉलेज मतलब क्या है भाई, ये वही है जो मैंने अभी बताया आपको, ये वही जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो बुक है हमारे पास। तो उस आर्ट को, आर्ट बनेगा कैसे, हम रेगुलर प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे, सबसे पहले हर चीज में अगर आप देखो तो म्यूजिक भी जो होता है, क्या म्यूजिक के अंदर रिटन नोट्स नहीं होते हैं, डांसिंग के अंदर उनके स्टेप्स के नोट्स नहीं होते होंगे क्या, बिल्कुल होते हैं, एक्टर्स के डायलॉग्स नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब आर्ट की बात भी करते हैं, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात भी करते हैं, तो उसमें पहली खासियत ये है कि उसमें भी आर्ट तक हम तभी पहुंचेंगे जब उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग क्या है थ्योरिटिकल नॉलेज है हम उसको अच्छे तरीके से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और किसी भी तरीके की कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे मैं म्यूजिक का एग्जाम्पल लूँ, डांसिंग कहूँ, क्रिकेट के शॉर्ट्स भी क्यों ना हो, तो वो भी हमारे लिए एक रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। उसको फिर हम स्टडी करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकल बेसिस पर अप्लाई करते हैं, तब जाके वो हमारा आर्ट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो ये जो एमबीए भैया हैं, ये देखो यहाँ देखो ध्यान से, कहाँ गए हमारे एमबीए भैया, ये रे, इन एमबीए वाले भैया ने भी तो सबसे पहले बुक उठाई होगी, हाँ कि ना, बुक उठाई होगी मतलब थ्योरिटिकल नॉलेज ही तो देखी होगी, और उसके बाद उसने रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर कर उसे अपना आर्ट बनाया होगा, हाँ कि ना। ये दो बातें तो क्लियर हैं। थर्ड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बात भी मैंने आपको बता दिया, बड़े ध्यान से देखना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। वंश, ये वही बात है कि सर हर बंदा टीचर है लेकिन हर टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाता, हर बंदा अपने आपको डांसर कहता है लेकिन हर बंदा प्रभु देवा की तरह डांस नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ नॉलेज की, किसकी बात कर रहे हैं, कि ये अवेलेबल भले ही सबके पास है, कॉमन टू ऑल है, हमने बताया था ना, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सबके पास अवेलेबल है, लेकिन वेरीज, इट वेरीज, मतलब ये चेंज होती है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्स अलग परफॉर्म करता है उस नॉलेज के साथ, वाई अलग करता है, जेड अलग करता है, हाँ कि ना। नॉलेज डांसर्स के पास सबके पास डांस का ज्ञान होता है, टीचर्स के पास सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन सब लोगों को उसको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, हर बंदा एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं देता। तो जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ ना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब है भले ही बॉडी ऑफ नॉलेज सबके पास अवेलेबल है, मैनेजमेंट के जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल सबके पास अवेलेबल है, लेकिन हर बंदा इसको अलग तरीके से अप्लाई करता है। कोई दो डांसर, दो स्पीकर्स, दो एक्टर्स, दो राइटर्स अगर आप ले लो, हर बंदा अपना आर्ट दिखाते समय अलग अलग परफॉर्मेंस देता है, ये बात तो आप मानते भी होंगे।
तो ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी उसकी उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जिस स्टूडेंट ने मैनेजमेंट की अच्छे से पढ़ाई करी होगी आज 12th स्टैंडर्ड में वो बहुत ज़्यादा फोकस में, जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा उसी के मार्क्स उसी की नॉलेज सबसे ज़्यादा होगी और रिजल्ट्स में कन्वर्ट भी होगी, ठीक है ना। अब मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो व्यूअर्स तो बहुत सारे होंगे, तो क्या लगता है हर व्यूअर उस इंटेलेक्चुअल तरीके से वीडियो देख रहा है? मैं होप करता हूँ कि सब अच्छे से देखते होंगे, लेकिन जो वो बच्चा जो प्रॉपर नोट्स भी नीचे पीडीएफ से डाउनलोड करके नोट करता होगा, उसको फिर रिवाइज भी करता होगा, फिर दोबारा एक बारी और वीडियो देख लेता होगा, उसके कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो कहने का मतलब है भले ही बॉडी ऑफ नॉलेज सबके लिए कॉमन है, लोहित सर की भी, लेकिन हर बंदे की परफॉर्मेंस तो अलग अलग ही होगी। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई रहने वाली है। कोई दिक्कत तो नहीं है वंश? मैं पर दोबारा दिखा देता हूँ तीनों पॉइंट्स साइंस एज एन आर्ट के। पहली बात तो ध्यान रखो, आर्ट का मतलब ये है, हिंदी में बोलते हैं उसे कला, और एक कला तभी आती है जब हम लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट एज अ साइंस, जहाँ से हमें नॉलेज मिल गई थी, वो हमारे लिए एक बुक थी जिसके अंदर सारी नॉलेज का पिटारा है, लेकिन उस नॉलेज के पिटारे में एक्सपर्ट वही बनेगा जो रेगुलर उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट बन चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एमबीए का एग्जाम्पल लिया था। एमबीए की डिग्री आने का मतलब है उस बंदे ने उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा होगा और आज वो उसका आर्ट बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी वही कि हर एक काम के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही, मतलब मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही, और उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को हम पढ़ाई करते हैं, उसी की हम कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो हमारा आर्ट बनती है। और थर्ड पॉइंट में हमने बात करी बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब अवेलेबल नॉलेज तो सबके पास इक्वली है। साइंस एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज का यही मतलब था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सबके पास अवेलेबल है, लेकिन हर बंदे को उसको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। वही जनरल गाइडेंस लगाने के बाद भी हर बंदे की अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस अलग है, एक्स की अलग है, वाई की अलग है, जेड की अलग है। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, डिटेल्ड परफॉर्मेंस करेगा, उसी की सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। ये बात तो ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें है पॉइंट नंबर फोर्थ, जो कि है ये वैसे ये वर्ड तो बड़ा कॉमन लग रहा है इतनी बातें सीखने के बाद कि क्रिएटिविटी। अभी भाई जब हम वैसे भी किस चीज की बात करते हैं, आर्ट तो तभी डेवलप होता है ना जब बंदा क्या होता है क्रिएटिव होता है। जैसे हम कहते हैं ए बी डिविलियर्स सर 360 कहते हैं उसे, 360 डिग्री प्लेयर, क्योंकि वो हर तरीके के शॉट खेल लेता है। तो हम कहते तो हैं उसे एज ए क्रिकेटर कि वो बहुत ही क्या है, क्रिएटिव बैट्समैन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम अपने मैनेजमेंट को अपना किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स के साथ खेलना पड़ता है, तभी वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग आर्ट में कन्वर्ट होता है। हमें हर सिचुएशन, मान लो कि ये कॉमन सिचुएशन है वंश, ये रही, ठीक है वंश, उस कॉमन सिचुएशन को करने के चार तरीके हो सकते हैं हमारे पास। मैं वंश को पढ़ाता हूँ, मैंने एक दिन बोला वंश आज की क्लास सुबह कितने बजे हैं सर, अब बिल्कुल 6 बजे आना है तो है, नहीं तो क्लास कैंसिल। वंश ने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊँगा पक्का। फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि नहीं, कितने बजे, सुबह 12 बजे ठीक है। फिर एक दिन मैंने क्या सोचा, फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं क्लास रखते हैं शाम को। वंश ये सब अलग अलग चीजें मैंने इसलिए करी ताकि मैं देख सकूं कि किस टाइम पीरियड के अंदर वंश की बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। मैंने नोट करा कि वंश की बेस्ट परफॉर्मेंस आती है कितने बजे, मान लो 12 बजे। तो इससे हमें ये सीख मिल गई। तो हुआ क्या, एज अ टीचर आर्ट बनाने के लिए मेरे को भी तो अलग अलग क्या करनी पड़ रही है, क्रिएटिविटी करनी पड़ रही है। क्योंकि जब मैं अलग अलग क्रिएटिविटी करूंगा तो मेरे पास हर चीज के क्या आएंगे, बेस्ट सॉल्यूशंस आएंगे। यही तो मैं चाहता हूं, और मैनेजमेंट भी तो बेस्ट सॉल्यूशन यही चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कॉमन गोल है जिसके लिए मैनेजमेंट बनाई गई है, वो अचीव कर सके। उसके लिए किसी भी बंदे का क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव हो गई तब जब वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की उसको लगन होगी,
बस इस तरीके से बात बन जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारी बात क्लियर है वंश? हाँ जी, तो अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अभी तक वंश हम लोगों ने कौन कौन सी बातें करी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस और सेकंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और जो अब थर्ड हमारी और लास्ट जो आज की बात रहने वाली है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अभी सर प्रोफेशन वाली बात भी आपने बताई, अभी आपने लास्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट में एक एग्जाम्पल लिया था किसका, एमबीए का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने एक बंदे को बोला था कि सर एक ये बंदा है जिसके पास एमबीए की डिग्री आ गई है, तो एमबीए की डिग्री आना मतलब एमबीए उसका प्रोफेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। तो बात आती है सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की कुछ फीचर्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, मैंने बोला बिल्कुल है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात बोलूँ तो पहला फीचर ये है, उस बंदे के पास क्या होगी जिसका मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ऑब्वियसली सर उसके पास वेल डिफाइंड क्या होगी? बिल्कुल सर, तभी तो प्रोफेशन आया है, नॉलेज होगी नहीं तो बात बनने वाली ही नहीं है इसके पास। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज सर, ये बातें तो पुरानी बातों से रिलेटेड है। मैंने बोला बिल्कुल, जिनको पुरानी दोनों बातें क्लियर है ना कॉन्सेप्ट वाइज, तो उनको ये बातें वैसे भी बहुत आसान लगेगी। सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की खास बात यह है सर कि उस बंदे के पास वेल डिफाइंड नॉलेज तो होगी ही होगी, तभी वो एक प्रोफेशन उसका बन पाया होगा, ठीक है ना। एमबीए की डिग्री मिली तब होगी जब उसने कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करी होगी, जनरल गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ा होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देख के क्रिएटिव बन के खूब खूब प्रिंसिपल्स के साथ खेला होगा ये बंदा, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस उसने करी होगी, ये बात तो ठीक है। बी, एक और बात कही जाती है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में कि यहां पर क्या है, क्या है वंश सर, ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, किन नलायकों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है? मैंने बोला वंश इन्होंने लगाई है रिस्ट्रिक्शन। वंश कहकर सर बताओ क्या मैं जानता हूं? मैंने बोला बिल्कुल जानते हैं। ऑब्वियसली सर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर बंदा एमबीए की तरह थोड़ी ना एक्स कह रहा है चलो सर एमबीए की प्रोफेशन की डिग्री उठा लाता हूँ, दूसरा कह रहा है चल यार मैं भी बोर ही हो रहा हूँ चल मैं भी ले आता हूँ, ऐसे होती है बात? सर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है सर, एग्जाम्स क्लियर करो ना या प्रॉपर एजुकेशनल डिग्री लो ना कुछ तो, सर ऐसे नहीं है, ऐसे खाला जी का घर नहीं है कि किसी के लिए भी वो अवेलेबल है। मेहनत करो, डिग्री कमाओ सर, तब जाके आप एक प्रोफेशनल में कन्वर्ट होते हो, ऐसे होने वाले नहीं हो। जैसे कि अगर आप सीए बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा किसका, आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, तभी आप कभी जाके क्या बनोगे, किसमें कन्वर्ट होगे, सीए में, तब आप कह सकते हो सीए अब आपका क्या है, एक प्रोफेशन हो गया है, ये बात तो ठीक है। सर कहने का मतलब तो बड़ा आसान है सर, ऑब्वियसली सर ये प्रोफेशन कमाने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अपने डिजायर्ड क्या पहले पास करने पड़ेंगे, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको डिग्री मिलेगी, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर बंदा प्रोफेशनल नहीं बन सकता, पहले जो डिजायर्ड एग्जाम्स आपके लिए सेट करे गए हैं, जो एजुकेशनल डिग्री आपको चाहिए पहले उसे कमाओ, तभी आप एज अ प्रोफेशन उस बन सकते हो, उस प्रोफेशन को कर सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की दो बातें जो हमने लिखी हैं उसमें पहली बात तो ये है कि जो भी बंदा ऑब्वियसली प्रोफेशनल होगा उसके पास उस चीज़ की वेल डिफाइंड नॉलेज होगी होगी सर, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है मतलब सर हर बंदा ऐसे नहीं प्रोफेशनल बन सकता, हर बंदा एमबीए नहीं, हर बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता जब तक वो प्रॉपर एग्जाम्स को क्लियर नहीं करता, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसके अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है? पॉइंट नंबर सी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल वंश एसोसिएशन वर्ड आते के साथ पहली बात तो दिमाग में क्या होना चाहिए कि सर ये क्या है, एसोसिएशन का मतलब ही क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही तो है यहां पर। ऑब्वियसली सर इतनी बड़ी बड़ी आपने नाम करी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आपका प्रोफेशन है, एमबीए अगर आपका प्रोफेशन है, तो खुद बताओ ना वहां पर जो बैठे हुए लोग होंगे वो कोई अनपढ़ होंगे या वो खुद भी अपने आप में प्रोफेशनल एसोसिएशन ही होगी। ये एमबीए जिस ऑफिस में बैठता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस ऑफिस में प्रैक्टिस भी चाहे करता होगा, अपना खुद का भी मतलब काम करता होगा, तो वहां पर आसपास सब लोग जो होते होंगे प्रोफेशनल होते होंगे कि नहीं होते होंगे? बिल्कुल सर प्रोफेशनल होते होंगे, इनके अपने रूल्स एंड प्रॉपर रेगुलेशंस होते होंगे, जिनको हम रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ
मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे सर, और क्या होता होगा प्रॉपर, अगर इनको आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब किसी और के पास जॉब नहीं करते, अपना ऑफिस चला रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए होता होगा वंश? एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए होता होगा। क्या चाहिए होता होगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे ये अपना खुद का काम कर सकते हैं, किसी के पास फिर इनको अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है सर, जो इतना बड़ा प्रोफेशनल है उनके पास ये खासियत तो होगी कि उनके आसपास के भी जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे उनके दफ्तर में या उनके खुद के जो ऑफिस है, प्रोफेशनल ही होंगे सब सर आसपास। ये बात तो ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में इनका काम हमेशा चलता होगा वंश, कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉइंट नंबर डी है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। वैसे ये बात हमने पीछे भी डिस्कस करी, लेकिन इसका एक अलग पॉइंट भी बन सकता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने अभी पीछे भी बताया इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या मतलब होता है? तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्सपेक्टेड होंगे एक प्रोफेशनल से या उसकी एसोसिएशन से, वो एथिकल होने चाहिए कि अनएथिकल? बिल्कुल सर, तो ये तो बड़ी कॉमन बात है। इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो वहाँ पर जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो एक्सपेक्टेड है कि एथिकल होते होंगे, एज पर डिजायर्ड रिक्वायरमेंट होते होंगे, गलत या कह लो इलीगल तो बिल्कुल नहीं हो सकते सर। हाँ कि ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती होंगी वो बिल्कुल प्रॉपर प्योर तरीके से चलती होंगी, कोई भी एक्टिविटी जिस जो इलीगल हो वैसा उनसे बिहेवियर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा सकते। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं जैसे इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं, क्या कि हम अपने पेशेंट्स को बचाने का पूरा पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाएंगे, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो हो गया। हाँ कि ना, ठीक है, तो जो उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है। और अगर मैं ई पॉइंट की बात करूँ, और यही मैं इसको अपना लास्ट पॉइंट बोलूँ, तो क्या होगा लास्ट पॉइंट हमारा? लास्ट पॉइंट होगा हमारा ये सर्विस मोटिव। ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वंश क्या कर रहे हैं? सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं, सामान थोड़ी ना बेच रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक मोटिव है एक प्रोफेशनल का वो क्या है? अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, अपने क्लाइंट्स को अपनी क्या देके, अपनी बढ़िया तरीके से अपनी सर्विसेज देके अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, ताकि उसका जो पर्पस है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। जैसे कि जो लॉयर होता है वो क्या करता है? ईमानदारी से कोशिश करता है लॉयर कि उसका जो क्लाइंट है उसे क्या मिल जाए? जस्टिस मिल जाए सर। तो यही है सर्विस मोटिव है सर। फीस तो ऑब्वियसली लेंगे लेंगे, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे, ताकि उसका कल्याण हो जाए। बदले में ऑब्वियसली दे चार्ज देयर फीस। अब मैं अगर क्लासेस ऑनलाइन लेता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सारी क्लासेस फ्री होंगी वंश। ऑब्वियसली सर, आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, प्योर अपनी नॉलेज हमसे शेयर करते हो और बदले में हमसे फीस चार्ज करते हो। तो सर ये तो लाइवलीहुड अर्न करने वाली बात है सर, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात होती है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से सर्विस मोटिव अगर कोई अपना अपना रहा है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है वंश, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज जो हमने तीन बातें करी है, मैं एक बार उसको लिख के दिखा दूँ हमने क्या क्या करा है वंश। वंश क्या क्या करा है? बस तीन हेडिंग्स बस अगर आज की समरी बनाई जाए तो आज हम लोगों ने करा है वंश। नंबर वन, पहली बात, मैनेजमेंट एज अ वेरी गुड। सेकेंड, एज एन सॉरी एज एन आर्ट सर, ठीक है। और लास्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको नॉर्मली मिस करके जाते हैं एग्जाम्स में। मैं पहले बोल रहा हूँ ये वो टॉपिक्स में से एक है जो कि स्टूडेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में जब ये फिर क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है वंश, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये टॉपिक्स ईजी हैं लेकिन स्टूडेंट इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं, स्कूल टीचर्स नॉर्मली इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी कोशिश इसीलिए ज़्यादा थी, यहाँ पर हम लोगों ने 35 मिनट्स के अप्रॉक्स लगाए ताकि बढ़िया तरीके से हमारे तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, ऑल दी वेरी बेस्ट, कोरोना टाइम को वेस्ट नहीं करना और दबा के पढ़ना है, राइट।